नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। कोरोना के चलते दुनिया के सभी देश ऑलरेडी परेशान हैं। सभी देशों के ऑटोमोबाइल मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में इन कुल मिलाकर 10 गाड़ियों को किसी एक इंसान ने भी नहीं खरीदा है। इस लिस्ट में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनको इस लिस्ट में देखकर आपको शॉक लग सकता है। ये गाड़ियां इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं ऐसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस लिस्ट में नंबर वन के पायदान पर जो कंपनी और जिस कंपनी की गाड़ी आई है उसे देखकर आपको एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, आपकी आंखें खुली के खुली रह सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 10 गाड़ियों के बारे में जिन्हें मार्च के महीने में किसी एक इंसान ने भी नहीं खरीदा है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आती है रेनो की लॉजी। मार्च के महीने में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं हो सकता है उस वक्त तक शायद रेनो इसे डिसकंटिन्यू कर चुकी हो या फिर इसका BS6 वर्जन लेकर आए। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,70,000 रुपये से शुरू होकर 12,30,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आती है टोयोटा की करोला। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक तरफ दुनिया में ये गाड़ी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में शामिल होती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसका ये हाल है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 16,45,000 रुपये से शुरू होकर 21,00,000 रुपये तक मिल जाती है। हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त टोयोटा इसे डिसकंटिन्यू कर चुकी हो या फिर शायद इसका BS6 वर्जन आने वाला हो। नंबर वन के पायदान पर एक ऐसी कंपनी की गाड़ी आई है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उस कंपनी का नाम सुनकर आपकी आंखें डेफिनेटली खुली की खुली रह जाएंगी। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है टाटा की हेक्सा। वैसे तो हेक्सा एक बहुत ही दमदार लोहे का टैंक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 13,70,000 रुपये से शुरू होकर 19,28,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आती है रेनो की कैप्चर। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10,00,000 रुपये से शुरू होकर 13,00,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों निसान की टेरानो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। निसान टेरानो पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर 14,65,000 रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आई है होंडा की BRV। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 14,10,000 रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है होंडा की जैज। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर है ह्युंडई की टुसों। हाल ही में टुसों का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, नई टुसों लॉन्च हुई थी। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 18,77,000 रुपए से शुरू होकर 26,98,000 रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की अल्टुरस G4। मार्च के महीने में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी है। अल्टुरस G4 एक बहुत ही दमदार और बेहतरीन सुपीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट की गलती ये है कि ये महिंद्रा का प्रोडक्ट है और आज भी इंडिया में महिंद्रा पर लोग इतना पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर इस प्रोडक्ट को किसी और कंपनी ने बनाया होता, जैसे कि टोयोटा है या फिर फोर्ड है या फिर किसी और इंटरनेशनल ब्रांड ने, तो हो सकता है इसके सेल्स के फिगर्स कहां से कहां होते। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 27,70,000 रुपए से शुरू होकर 30,70,000 रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में पहले पायदान पर जिस कंपनी की गाड़ी आई है उसने मुझे बहुत चौंकाया है, और वो गाड़ी है मारुति की S-Cross। मार्च के महीने में इस गाड़ी की पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिकी है, किसी एक इंसान ने भी इसे नहीं खरीदा है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 12 लाख रुपए तक मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में शामिल होने वाली सभी की सभी गाड़ियां बकवास है। इस लिस्ट में आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो कुछ गाड़ियों को शायद कंपनियां डिसकंटिन्यू कर चुकी हैं, या फिर इनके BS6 वेरिएंट अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, वगैरह वगैरह। इनके अलावा और भी कई गाड़ियां हैं जिन्होंने मार्च के महीने में अपना खाता तक नहीं खोला है, जैसे कि टोयोटा की लीवा, टोयोटा की इटियोस, डैटसन की गाड़ियां, महिंद्रा की थार इत्यादि। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां दोस्तों, जो मार्च के महीने में इन गाड़ियों को किसी एक इंसान ने भी नहीं खरीदा है जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।